दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक हिमांशु और आप देख रहे हैं टीचिंग वाला। बीएड वर्सेस बीटीसी मामले के बाद बिहार शिक्षक भर्ती में क्या होगा बीएड वालों के लिए, इस पर चीजें कंफर्म नहीं थी तो मामला फिर से स्पेशली बिहार शिक्षक भर्ती के लिए सुप्रीम कोर्ट गया था। तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है और बहुत क्लियरली हर चीज यहां पर बताई गई है। क्या बताया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मैं आपको सुनाऊंगा भी, और जो लेटर फाइनल जारी हुआ है वो लेटर भी मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है, पूरा लेटर भी दिखाऊंगा, इसका क्या मतलब है वो भी मैं आपको बताऊंगा, और जो बोला गया है वो चीज मैं आपको पहले सुना देता हूं। देखिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या बोला गया है स्पेशली बिहार शिक्षक भर्ती के लिए। वी मेक नो कमेंट एज रिगार्ड्स द नोटिफिकेशन डेटेड 10th अप्रैल 2023 इशूड बाय द ऑर्डर ऑफ द गवर्नर ऑफ बिहार एज ऑल्सो द एडवर्टीजमेंट डेटेड 30th मई 2023 issued by the Bihar Public Service Commission. Not with this part, maybe deleted, not this part, not other. But this court expects that the state of Bihar shall follow or shall abide by the judgment of this court delivered on 11th August 2023. We have to remove the prayer error. No, prayer error, but it shall not extend. तो यहां पर दो बात बोला गया है जो कोर्ट का ऑर्डर है उसमें, आपने सुना होगा अभी, और क्या बोला है तो वो बात यहां पर कोर्ट के ऑर्डर में भी लिखा हुआ है। तो कोर्ट का ऑर्डर शुरू होता है और कोर्ट के ऑर्डर में शुरुआती दौर में जो प्रोसेस रहता है वो यहां पर लिखा हुआ है, और जो पिटीशन है उसके बारे में पूरी जानकारी यहां पर दी गई है। उसके बाद अगर आप यहां पर देखिएगा तो वो पूरा बात लिखा हुआ है कि किस तरीके से राजस्थान जो हाई कोर्ट था उसके एवज में जो है सुप्रीम कोर्ट ने अपना दिया कि अपहेल्ड करना है राजस्थान हाई कोर्ट को डिसीजन। उसके बाद शुरू होती है बिहार की कहानी जो बेसिकली बिहार के संदर्भ में है। तो जो बात बोला गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, वही बात यहां पर लिखा भी गया है, देख लीजिए। द प्रेजेंट पिटीशन स्टैंड्स अलॉट इन टर्म ऑफ प्रेयर ए टू द एक्सटेंड द सेम रिलेट्स टू द नोटिफिकेशन इशूड बाय द एनसीटी ऑन 28 जून 2018, है ना, कंसिक्वेंशियल एडवर्टीजमेंट एंड अदर सब्सिक्वेंट स्टेप टेक इन परस्यूएंस देयर ऑफ शैल ऑल्सो स्टैंड इनवैलिडेटेड। अब यहां पर जो है मेनली जो है बिहार के लिए जो शुरू हो रहा है वो देखिए। द स्टेट ऑफ बिहार इज नॉट अ पार्टी बिफोर दिस कोर्ट इन दिस पिटीशन, कि मतलब ये जो पहले भी जो केसेस हुआ या जो अभी भी हुआ उसमें स्टेट ऑफ बिहार तो है नहीं। तो एज सच वी मेक नो कमेंट एज रिगार्ड्स दिस नोटिफिकेशन इशूड बाय द स्टेट ऑफ बिहार। तो क्योंकि राजस्थान के केसेस में राजस्थान सरकार गई थी तो इनका कहना है कि यहां पर इसमें बिहार का स्टेट तो कहीं इन्वॉल्व है नहीं, तो वी मेक नो कमेंट, ये लाइन और नीचे का लाइन दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, वी मेक नो कमेंट एज रिगार्ड्स द नोटिफिकेशन इशूड बाय द स्टेट ऑफ बिहार, मतलब हम इस पर कोई कमेंट नहीं करते हैं। जो भी आप लोगों ने सुना भी वीडियो में भी उन्होंने बोला था, सेम बात बोला था कि हम कोई कमेंट नहीं करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। तो वी मेक नो कमेंट एज रिगार्ड्स द नोटिफिकेशन डेटेड 10th अप्रैल 2023 इशूड बाय द ऑर्डर ऑफ द गवर्नर ऑफ बिहार, ठीक है। तो लेकिन बाद में क्या बोला है उन्होंने, ठीक है, बाद में इसके बाद में उन्होंने क्या बोला लास्ट में देखिए कि बट दिस कोर्ट एक्सपेक्ट्स दैट द स्टेट ऑफ बिहार शैल टेक इनटू अकाउंट द जजमेंट ऑफ दिस कोर्ट डिलीवर्ड ऑन 11 अगस्त 2023। देखिए दो चीज होता है, एक होता है सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, एक होता है सलाह। तो ऑर्डर और सलाह में अंतर है, ऑर्डर आपको 100% फुलफिल करना होता है, सलाह जो है आपको दिया गया है और ये आप पे निर्भर करता है। तो यहां पर क्या हो गया कि हम इस पे कोई कमेंट नहीं करेंगे या हम इस पे कोई जजमेंट नहीं देंगे, लेकिन हम ये उम्मीद करते हैं कि जो बिहार सरकार है हमारा जो 11 अगस्त को जजमेंट आया है उसका अनुपालन करें। उसके अनुपालन करने का मतलब यही हो गया कि उन्होंने जो बीएड के पक्ष में बोला है उसका वो अनुपालन करें, लेकिन क्योंकि बिहार सरकार इसमें इन्वॉल्व नहीं थी तो हम बिहार सरकार के लिए कोई कमेंट नहीं करते। तो ये बिहार सरकार से एक्सपेक्ट किया गया है, बिहार सरकार को ये जो है क्या बोलिएगा कि इनको एक कोई रूल नहीं कहा गया है कि ये सुप्रीम कोर्ट ये डिसीजन देता है तो वो नहीं दिया गया, इसलिए पहले ही बोल दिया कि वी मेक नो कमेंट। तो हम यहां पर नो कमेंट मतलब हम कोई डिसीजन नहीं दे रहे हैं, तो वही चीज यहां पर आपको क्लियरली हो जाएगा। आगे भी देख लीजिएगा ये पूरा है, देयर शैल बी नो ऑर्डर एट एज ऑफ कॉस्ट, है ना, और जो है ये स्टैंड डिस्पोज्ड हो गया और पूरी बात अपडेट करके यहां पर सारी बात यहां पर लिख दी गई है। तो ओवरऑल यही है कि अब जो है
कौन है पाले में, बिहार का शिक्षा आयोग अब यहां पर इस पाले में है कि उन पे ये डिसीजन है। और एक और चीज जो है अलग अलग जगह से वायरल हो रही है, हालांकि उसकी पुष्टि होने के बाद मैं आपको वो बताऊंगा, जिसमें कि ये कहा जा रहा है कि जो समय था इस 11 अगस्त तक का समय था और जिस समय पर एनसीटी ने यह गाइडलाइन जारी किया था, इसके बीच के समय में अगर किसी ने बीएड किया है तो उसको मान्य माना जाए। तो इस पर भी नोटिस आ रही है, इस पर भी बात चल रही है, इसकी कोई पुष्टि होने के बाद मैं वो भी आपको बताऊंगा। तो कुछ ना कुछ तो अब इतने 5 साल में जिन्होंने बीएड कर लिया, हाँ आगे का बीएड मान्य नहीं होगा, लेकिन उस दरमियान जबकि सरकार के नोटिस के अंदर किसी ने बीएड कर लिया है तो ये थोड़ा लॉजिकल है कि उसको जो है उन उस समय में, जैसे कि अभी आप देखिएगा कि सीटेट का या कोई भी फॉर्म निकलता है तो जो पुराने बीएलएड थे या कुछ भी था तो उस समय के लिए जो वैध था उसको वैध माना जाता है। तो अब उसमें भी अगर ये नोटिस आती है, इसकी पुष्टि होती है तो मैं आपको बताऊंगा, इस पर भी चीजें चल रही है। तो यही बात है कि मामला अभी खत्म नहीं हुआ है और सुप्रीम कोर्ट ने अपना पल्ला यहां पर झाड़ लिया है और उनके अब कोई कमेंट वो नहीं कर रहे हैं, बस सलाह दे रहे हैं कि एक्सपेक्ट करते हैं हम कि आप इसकी बात को, इस बात को मानिए और उसको किस प्रकार से मानिए, आगे मानिए कि यह वैकेंसी पहले आ गया था या उस समय जो बीएड कंप्लीट हो गया, जिनका उस डेट तक बीएड कंप्लीट हो गया था, किस तरह से मानेंगे ये बात अब शिक्षा विभाग या जो भी रिलेटेड पर्सन है वो लोगों से ये है। तो अभी यहां पर ये एक तरह से कहिए कि स्टेप है जो आगे बढ़ा। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, बाय बाय, जय हिंद।